देखिए, एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में सब टोटल का, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है सब टोटल किस लिए यूज होता है, तो उसी के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में एक डेटा है, अब इस पर फिल्टर लगाना है तो हमें शॉर्टकट की यूज करनी है। शॉर्टकट की क्या होगी? Alt DFF। तो ये देखिए फिल्टर लग गया। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट हम फिल्टर कर लेते हैं, लाइक यहाँ सेलेक्ट ऑल से हटा देते हैं और यहाँ सिर्फ पल्स चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए, ये तीन ही आइटम लेते हैं, और इस टोटल का टोटल अगर हम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इस टोटल का टोटल करते हैं हम, तो ये देखिए यहाँ पर ये तीनों प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। तो ये 150 है, ये 72 है, ये 42 है, 42, 72 और 150। अब इन तीनों को बंद करके और एंटर करते हैं तो यहाँ 624 आ रहा है। तो क्या इन तीन जो अंक दिए गए हैं, 42, 72 और 150, इनको जोड़ने पे इतना ही आएगा? तो एक बार जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। इसको सेलेक्ट किया, प्लस किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया और फिर इसको सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो यहाँ पे 264 आ रहा है, जबकि यहाँ रिजल्ट आपका 624 आ रहा है। तो ये 624 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फिल्टर नहीं कर, फिल्टर जो किया हुआ है उसको भी ये जोड़ दे रहा है, यानी इन सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ करके तब ये 624 आ रहा है। समझ आ रही है कि नहीं बात? ताकि ये हटे ना बार बार, यहाँ पे कर देते हैं इज इक्वल टू सम, ठीक है। सम किया, अब इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके एंटर किया, अभी 510 आ रहा है, 510 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इन सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ से जा करके, ये देखिए अब इसमें एक प्रोडक्ट बढ़ा दिया मैंने, तो क्या यहाँ रिजल्ट चेंज हुआ? रिजल्ट चेंज हुआ है, देखिए 510 का तो 510 ही पड़ा हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं फिल्टर लगाने में समस्या हो रही है, फिल्टर लगाने के कारण हमारा रिजल्ट अफेक्टेड हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसको सही कर सकें? तो जी हाँ बिल्कुल है, हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, सब टोटल। क्या लगाएंगे? सब टोटल। तो यहाँ पे SUBTOTAL, तो सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सम, सम के लिए हम क्या करेंगे, सम, SUM, सम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और कॉमा लगाएंगे और ऊपर से नीचे तक ये सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेलेक्ट कर लिया, आप इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे, रिजल्ट क्या है, 624 है। अब हम एक काम करते हैं, यहां से चेंज करते हैं, यहां से प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, लाइक सेलेक्ट ऑल हटा देंगे, खाली हल्दी लेंगे और मैगी लेंगे और पल्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है कि नहीं? लेकिन सम का फॉर्मूला लगाने से ये नहीं हो रहा था, तो कैसा है ये फॉर्मूला, ठीक है? ओके,